गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे चैनल बड़ा का ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, सबसे मेन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। काफी सारे भाइयों के मेरे पास कॉमेंट आते हैं और फोन पे भी ये पूछते कि प्राइवेट गाड़ी लेने का मकसद क्या होता है। प्राइवेट गाड़ी अगर आप परचेज कर रहे हैं ओला उबर के लिए, तो किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा ऐसी, वो अगर आपने नहीं की, अगर आप धोखा खा गए उस चीज में, तो आपके सारे पैसे फंस जाएंगे। आप जब तक गाड़ी की EMI कम क्लियर नहीं होगी, तब तक आप रोओगे। ये चीज हमेशा याद रखना, तीन चीजें ऐसी हैं वो आपको कराना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने वो नहीं कराई, तो आप जब तक गाड़ी की EMI, आपने गाड़ी जो ली हुई है सेकेंड हैंड यूज कार, अगर आप प्लान बनाना है उसको लेने का, अगर आपने ये तीन चीजें नहीं की, तो आप जब तक गाड़ी की EMI क्लियर नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, तब तक आप रोओगे। तो आज का ब्लॉग इसी के ऊपर रहेगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों, तो आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आपको अगर एक प्लान कर रहे हैं ओला उबर के लिए, देखो गाड़ी कोई भी है ना, कोई भी गाड़ी ले रहा हो, काफी सारे भाई नई गाड़ी परचेस करते हैं, काफी सारे भाई जो सेकेंड हैंड यूज कार है उसको ही यूज करना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे भाई वो सोचते हैं कि हमें ओला उबर में काम करना है, बट हम एक सेकेंड हैंड यूज कार से काम स्टार्ट करेंगे। काफी सारे भाई करते हैं, मैंने भी किया था, हमारे बॉम्बे के काफी सारे लोग हैं वो भी करते हैं, हमारे ग्रुप में काफी सारे लोग हैं उन्होंने भी स्टार्ट किया था। जब काम को ओला उबर में स्टार्ट करने का प्लान किया होता है, कर पाया नहीं कर पाया, माना हमने 2-3 लाख रुपए की 4 लाख की गाड़ी ले ली, मन 10-12 लाख की गाड़ी तो नहीं है, 3-4 लाख की है, तो 3-4 लाख रुपए की गाड़ी अगर ले भी ली, अगर नहीं भी काम कर पाया, तो मैनेज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से लोग पहले ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें एक सेकेंड हैंड यूज कार अच्छी सी मिल जाए, काम कर लेंगे तो उसी को चलाएंगे, बट जैसे ही उसकी कैपेसिटी पूरी होगी, उसके बाद ही प्लान करेंगे दूसरी गाड़ी लेने का, तो जैसा कि मैंने किया था। तो दोस्तों, अगर आप एक सेकेंड हैंड यूज कार ले रहे हैं, कोई इशू नहीं होता है, सस्ती मिल जाती है, एक नई कार परचेस करने से काफी ज्यादा बेनिफिट भी होता है उसमें। तो दोस्तों, अगर आप एक नई कार की बजाय अगर आप सेकेंड हैंड यूज कार परचेस कर रहे हैं, तो आपको तीन चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। वो कौन सी है मैं आपको एक एक करके आपको बता दूंगा सारा कुछ, उन चीजों पर आपको गौर करना है, ध्यान भी रखना है हर चीज का। जैसे माना आपने एक सेकेंड हैंड यूज कार को परचेज किया, गए किसी डीलर के पास या फिर किसी ओनर के पास, अगर गाड़ी पेट्रोल है, क्योंकि आप ओला उबर में गाड़ी चलाओगे तो पेट्रोल पे कवर नहीं कर पाओगे, पेट्रोल पे गाड़ी नहीं चला पाओगे, पेट्रोल पे माइलेज कम होता है, आपका प्रॉफिट कम होगा सारा कुछ। तो आप सोचोगे अगर गाड़ी पेट्रोल है, तो मैं आपको CNG आउट ऑफ द सिटी के कहीं भी बाहर से CNG फिटिंग कराऊंगा, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया गाड़ी का इंश्योरेंस, जब आप अपने नाम पे गाड़ी ट्रांसफर कराएंगे तो सारा कुछ आपके नाम पे भी होगा, इंश्योरेंस हो गया दूसरा। तीसरा हो गया गाड़ी की फाइनेंस, अगर आपके पास बजट है 3-4 लाख रुपए का, आपने कैश ले ली, तब भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, कैश ले ली तब आपको फाइनेंस वालों को कुछ नहीं बोलना है। तो जैसे ही आपको गाड़ी एक परचेज करनी है, आपने फाइनेंस करानी है, सबसे पहले फाइनेंस जिससे गाड़ी आपको परचेज कर रहे हो, माना किसी डीलर से आप परचेज कर रहे हो, तो गाड़ी है मतलब माना एक डिजायर गाड़ी है आपने परचेस करी, वो प्राइवेट गाड़ी है। काफी सारे लोग क्या है ना, एक प्राइवेट गाड़ी लेके कॉमर्शियल में ट्रांसफर करके के ही यूज करना चाहते हैं, क्यों, वो कम यूज हुई जो गाड़ी है वो कम यूज होती है और अच्छी भी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको डीलर से बोलना है कि हमें ये गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है और टैक्सी में कन्वर्ट करानी है, कॉमर्शियल गाड़ी में हमको ट्रांसफर कराना है, कोई गाड़ी है तो होगी तो वो दिखा देगा, नहीं अगर वो कॉमर्शियल में गाड़ी नहीं बेचता होगा, प्राइवेट गाड़ी, तो वो आपको मना कर देगा, आप डायरेक्टली किसी को बोलेंगे जाके। तो आप अगर सीधा गए, आपने गाड़ी सीधी देख ली, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, तो वो जो बात करेगा ना आपके सामने वाला, तो वो सोचेगा कि बंदा जो बंदा आया है गाड़ी लेने के लिए, वो प्राइवेट गाड़ी लेने के लिए आया है, क्योंकि आपने उससे बताया नहीं। इसके लिए वो जो भी प्रोसेस करेगा, वो प्राइवेट गाड़ी के हिसाब से ही प्रोसेस करेगा, जो भी फाइनेंस होगा, वो इंश्योरेंस होगा, वो आपके गाड़ी नाम पे ट्रांसफर होगा, वो सारा कुछ जो भी उसका प्रोसेस होगा, वो आपके एक पर्सनल गाड़ी जो प्राइवेट गाड़ी होती है उसके हिसाब से ही सारा कुछ प्रोसेस, जो भी काम करने का तरीका होता है वो उसके हिसाब से पूरा करेगा।
आप अगर पहले से बोल देंगे कि हमें गाड़ी को ट्रांसफर करना है टैक्सी के अंदर, तो आपको क्या क्या सब कुछ लागू हो जाता है। अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं गाड़ी के ऊपर, तो सबसे पहले फाइनेंस कंपनी को आपको बोलना है हमें ये इस गाड़ी को कॉमर्शियल में ट्रांसफर करना है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज हो गई आपको इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस करेगा, जो भाई जो भी होता है इंश्योरेंस करने वाली पार्टी, उसको आपको बोलना है हमें इस गाड़ी को कॉमर्शियल में ट्रांसफर करना है, टैक्सी के अंदर लेना है। उसके हिसाब से आपका टैक्सी और कॉमर्शियल के हिसाब से आपका इंश्योरेंस पेमेंट आएगा। दूसरी एक चीज और बता दूं, इंश्योरेंस पेमेंट करने से पहले अगर आप सीएनजी फिटिंग करा रहे हैं सीएनजी, तो इंश्योरेंस करने से पहले, आरटीओ में नाम ट्रांसफर करने से पहले, सब कुछ पहले आपको गाड़ी के अंदर सीएनजी फिटिंग करा लेनी है, उसके बाद आपको इंश्योरेंस कराना है। इंश्योरेंस करने के बाद आपकी फाइनेंस होगी। अगर ऐसा रूटीन के हिसाब से काम करेंगे ना आप, तो कोई इशू नहीं होने वाला है। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, देखो दोस्तों, काफ़ी सारे भाई हैं ना, नई नई गाड़ियाँ लेके आते हैं और उसके में सीएनजी बाहर से मार्केट से लगवा लेते हैं, पर वो गाड़ी के जो सीएनजी लगवा ली वो इनलीगल है, लीगल नहीं है। अगर बाई चांस आपकी गाड़ी में कुछ भी होता है, तो क्लेम जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको क्लेम नहीं देगी एक भी रुपया, क्योंकि आपने बिना इंश्योरेंस कंपनी के परमिशन के आपने गाड़ी के अंदर सीएनजी फिटिंग कराया है। तो अगर आप पहले ही फिटिंग करा लेंगे, उसके बाद सीएनजी आप इंश्योरेंस कराएंगे तो इंक्लूड हो जाएगी उसके अंदर। आपको बताना होगा कि मेरी गाड़ी सीएनजी है और सीएनजी के हिसाब से आपका इंश्योरेंस जो पेमेंट होगा वो क्लियर होगा। अगर आप इंश्योरेंस करने से पहले सीएनजी इंक्लूड कर लेंगे, तो आप जब आरटीओ में पासिंग कराएंगे ना, तो जो गाड़ी के आपके पेपर बनेंगे इंश्योरेंस के अंदर भी क्लियर लिखा होगा गाड़ी के अटैचमेंट टू सीएनजी, सीएनजी के साथ गाड़ी अटैचमेंट है। आपकी आरसी बुक आएगी उसके ऊपर भी लिखा होगा सीएनजी प्लस पेट्रोल या पेट्रोल प्लस सीएनजी। आपने बहुत सारी गाड़ियां भी ऐसी देखी होंगी, उनमें देख लेना पेट्रोल प्लस सीएनजी लिखा होगा। जो माना गाड़ी सीएनजी है, टैक्सी में चल रही है, कंपनी निकल गए, उसकी आरसी बुक आप चेक कर लेना, उस पे लिखा होगा पेट्रोल प्लस सीएनजी। अगर जिस गाड़ी सीएनजी है और उसमें पेट्रोल प्लस सीएनजी नहीं लिखा है, तो वो गाड़ी इनलीगल है। अगर बाई चांस कुछ भी होता है, तो उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। ये चीज हमेशा याद रखना, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई भी क्लेम नहीं होगा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस के अंदर आपने सीएनजी इंक्लूड नहीं कराया है, उस पर रजिस्टर्ड नहीं कराई है आरटीओ से। आपके पास पेपर जरूर है उसका, आपने जिसके पास से आपने फिटिंग कराई है उसका सर्टिफिकेट है, गाड़ी में लगाने का सर्टिफिकेट तो दे दिया आपने, आपने वो ले लिया है, पर आपने आरटीओ के अंदर, आपने अपनी आरसी बुक के अंदर, अपने पेपर डॉक्यूमेंट के अंदर आरसी को इंक्लूड नहीं किया है, वो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। दूसरी एक चीज हो गई, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जो भाई ने गलती की, आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आके देख लेना। वो भाई ये जो गलती करने जा रहा था, और ये गलती क्यों होती है, देखो भाई आप सीधा ही जाओगे एक कॉमर्शियल माना प्राइवेट गाड़ी है, आप उसी को सीधा परचेस करोगे, तो जो सामने वाला डीलर है या जो भी बंदा है, जो भी भाई है, वो सीधा प्रोसेस जो करेगा वो प्राइवेट गाड़ी के हिसाब से करेगा। आप जब तक उसको नहीं बताओगे कि हमें एक इस गाड़ी को कॉमर्शियल में यूज करना है, तो कॉमर्शियल के लिए ट्रांसफर करना है, अगर आप दे सकते तो दे दो, नहीं देना है तो दूसरे डीलर के पास, तो काफी सारे डीलर आपको मना भी करेंगे, जो इस काम में नहीं करते हैं वो आपको सीधा मना कर देंगे, और काफी सारे जो डीलर होते हैं वो आपको सारा कुछ प्रोसेस करके पूरा काम कम्प्लीट करके दे भी देंगे। सीएनजी फिटिंग कराना, ये सब करना, वो सब आपको ध्यान में रखना है इस चीज को बहुत ही ज्यादा। तो दोस्तों आप ये चीज समझ लेना, बिल्कुल भी फाइनेंस करने से पहले गाड़ी को कॉमर्शियल का सारा कुछ बताना है, मैंने आपको पहले बताया इन चीजों, ये तीन ही चीजें हैं आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप प्राइवेट गाड़ी भी अपने लिए परचेस कर रहे हैं, अपने कैश कर रहे हैं, तब ये दो चीजें भी आपको सारा कुछ क्लियर करना है। एक आरसी पे आपको सीएनजी चढ़वानी है, उसके बाद ही आपको आगे का प्रोसेस पूरा करना है। गाड़ी लिए डील कर ली, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद आप बोलो टैक्सी करनी है, तो आप अपने नाम पे ट्रांसफर करके गाड़ी आपने ले ली, आरटीओ में पेपर दे दिया, सारा कुछ करने के बाद तो फिर उसको टैक्सी में कन्वर्ट कराओगे तो आपके डबल पैसे खर्च होंगे। और अगर कोई फाइनेंस कंपनी उस पर लोन कर रही है ना, कोई उस अगर कोई भी कंपनी बैंक हो या फाइनेंस कंपनी प्राइवेट हो, उस गाड़ी पे लोन कर रही है, तो आपको एनओसी नहीं देगी। ये चीज का हमेशा याद रखना, आपको वो फाइनेंस कंपनी एनओसी नहीं देगी, क्योंकि आपने पहले नहीं बताया इसके लिए। जरूरी नहीं है वो फाइनेंस कंपनी कॉमर्शियल गाड़ियों पे लोन नहीं करती हो, तो
कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो फाइनेंस कंपनियां प्राइवेट होती हैं, वो सिर्फ प्राइवेट गाड़ी पे ही लोन करती हैं। कुछ प्राइवेट फाइनेंस कंपनी ऐसी होती हैं प्राइवेट पे भी करती हैं और कॉमर्शियल गाड़ी पे भी करती हैं, बैंक भी ऐसा ही करती है। आप इन चीज़ों को सब कुछ समझ लेना, सीख लेना, उसके बाद ही प्राइवेट गाड़ी को परचेस करना। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे, मेरी बात को बिल्कुल भी गौर से समझ गए होंगे, क्योंकि 3-4 दिन से काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे कमेंट करके पूछा था और 2-3 लोगों के फ़ोन भी आए थे। क्योंकि पिछली वाली जो मैंने वीडियो डाली थी ना, उसके अंदर मैंने पूरा, क्योंकि वीडियो पूरी लंबी बना तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, सारा कुछ नहीं बता पाता उसके अंदर। तो काफ़ी सारे भाई पूछ रहे थे भाई के साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या इशू हुआ था। तो मैंने उनको फ़ोन पर बताया तो बोला ऐसे ही प्लान हमारा भी है, पर ये चीज़ हमारे माइंड में नहीं थी। तो ठीक है, आपने अच्छा हुआ बता दिया, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी आपने हमारे को इस चीज़ बता दी। तो दोस्तों मैंने सोचा आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बना लूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं कंप्लीट करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो मेरे भाइयों, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो। तो आज का ब्लॉग कर देते हैं यहीं कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।